हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं ऋचा, हमारी आज की जो क्लास रहेगी ये आप चाहे इसको ईवीएस में भी आपके ये इम्पॉर्टेंट होगा, उसके साथ साथ ही सामाजिक विज्ञान अर्थात सोशल स्टडी भी जिनका सब्जेक्ट होगा उसके लिए भी यूपी टेट में इम्पॉर्टेंट होगा। तो ये ऐसा टॉपिक रहेगा जो आपके दो पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, ईवीएस पोर्शन और सोशल स्टडी पोर्शन के लिए। तो आप दोनों ही अगर जो प्राइमरी या अपर दे रहे हो तो उनके लिए ये दोनों ही तरीके से फ़ायदेमंद है। दोस्तों, अपनी आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहा करिए, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करिए। दोस्तों, हमारा आज का हम इसमें ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो ईवीएस के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। स्पेशली हमारे सौरमंडल से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। सबसे पहला पॉइंट रहेगा हमारा महाविस्फोटक सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति आकाश गंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। अर्थात आप जो सुने होंगे बिग बैंग थ्योरी, फ्रेंड्स, तो बिग बैंग थ्योरी क्या होती है, यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात बताती है। आकाश गंगा तथा सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित होती है बिग बैंग थ्योरी। नेक्स्ट है हमारा बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन आधुनिक भौतिक शास्त्री जॉर्ज लेमेत्रे ने वर्ष 1927 में दिया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये बिग बैंग थ्योरी किसे ने दिया था, तो यह महान भौतिक शास्त्री जॉर्ज लेमेत्रे ने वर्ष 1927 में दिया था। आगे है दोस्तों हमारी गैलेक्सी के बारे में। हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित होता है को मंदाकिनी या आकाश गंगा या दुग्ध मेखला या मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारी गैलेक्सी का विभिन्न नाम है जिसे हम सौरमंडल हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, हमारा सौरमंडल हमारी गैलेक्सी के अंतर्गत आता है, और इस गैलेक्सी को हम मंदाकिनी या आकाश गंगा या दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं। नेक्स्ट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, निर्वात में प्रकाश द्वारा 3×10⁵ किलोमीटर पर सेकंड की गति से एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। अर्थात प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं दोस्तों, 3×10⁵ किलोमीटर पर सेकंड की गति से अगर प्रकाश जो है वह डिस्टेंस को कवर करती है तो यही दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष के मान की बात की जाए तो 9.46×10⁵15 मीटर के बराबर होती है। ये दोनों ही आप नंबर याद रखिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है और एक प्रकाश वर्ष का मान क्या होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी ज्ञात करने की इकाई होती है। अर्थात प्रकाश वर्ष बहुत दूर की डिस्टेंस को नापने की डिस्टेंस की ये यूनिट होती है प्रकाश वर्ष। तो यह खगोलीय दूरी को नापती है, अर्थात सूर्य से पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी से चांद की दूरी, ये सभी हम प्रकाश वर्ष में नापते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है, यह कॉपरनिकस का सिद्धांत कहता है कि पृथ्वी हमारी जो है वह सूर्य के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उल्लेखनीय है कि छठी शताब्दी ईस्वी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद व गणितज्ञ वराह मिहिर ने पहले ही यह बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो यह किसने बताया था इस कॉन्सेप्ट को कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी जो है हमारी वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो यह वराह मिहिर ने बताया था। आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, निकोलस कॉपरनिकस इस मत के प्रतिपादक थे कि दैनिक गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर तथा वार्षिक गति में स्थिर सूर्य के चतुर्थिक चक्कर लगाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर तथा वार्षिक गति में स्थिर सूर्य के चतुर्थिक चक्कर लगाती है, यह निकोलस कॉपरनिकस ने प्रतिपादित किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, साइंस के लिए भी, ईवीएस के लिए भी और सोशल स्टडी के लिए भी ये सारे ही पॉइंट। आगे है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अंग्रेज वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण तथा गति के तीन नियमों का प्रतिपादन किया था।
तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण तथा गति के कितने नियमों का प्रतिपादन किया था दोस्तों? तो 3 नियमों का इन्होंने प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। अब आपको ये बताना होगा कि हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। यहाँ तो ये भूपर्पटी की बात हो रही है, तो दोस्तों यहाँ भूपर्पटी में बताया गया है कि सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। अब हमारे वायुमंडल की बात की जाए तो मैं बता देती हूँ आपको, हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और भूपर्पटी की बात की जाएगी तब ऑक्सीजन गैस पाई जाएगी, इसलिए आप इन दोनों शब्दों में कन्फ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन के बाद भूपर्पटी में क्रमशः सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम इत्यादि तत्व तो पाए जाते हैं, तो इनका क्रम जो है वो ऑक्सीजन के बाद आता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारी भूपर्पटी अर्थात पृथ्वी में ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य का द्रव्यमान 10^24 किलोग्राम है जो पृथ्वी के द्रव्यमान का 333,000 गुना है, तो इतना ज़्यादा हमारे पृथ्वी के द्रव्यमान का सूर्य का द्रव्यमान है। नेक्स्ट है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 109.2 गुना है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये सारे ही पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखते हैं, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति क्या होती है? तो बुध जो है ये सबसे निकट होता है सूर्य के, फिर शुक्र उससे दूर होता है, शुक्र के बाद आता है पृथ्वी की, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद दोस्तों शनि आएगा, शनि के बाद यूरेनस आएगा, यूरेनस के बाद नेपच्यून आएगा, जबकि पहले इसके बाद नेपच्यून के बाद प्लूटो होता था जिसे कि 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था और इसे बौने ग्रह की संज्ञा दी गई थी। तो ये आपको क्रम याद रखना है, कई बार एग्जाम में ये क्रम पूछ लेता है कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति क्या है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये इसकी दूरी का क्रम होगा। वही चीज़ आगे लिखी हुई है फ्रेंड्स कि 14 से 25 अगस्त 2006 के मध्य प्राग चेक गणराज्य में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की 26वीं महासभा की बैठक में प्लूटो की को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया था। नेक्स्ट है, हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं। सौरमंडल में पहले 9 ग्रह थे लेकिन प्लूटो को हटाने के बाद 8 ग्रह हमारे सौरमंडल में हैं। नेक्स्ट है, सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटे ग्रह की बात की जाए दोस्तों तो बुध होता है, जबकि सबसे बड़े ग्रह की बात की जाए तो बृहस्पति होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है। और सर्वाधिक चमकीले ग्रह की बात की जाए तो शुक्र जो है यह सर्वाधिक चमकीला ग्रह होता है हमारे सौरमंडल का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वरुण या जिसे हम नेपच्यून कहते हैं यह सबसे दूर स्थित होता है सूर्य के। फिर वरुण जो है सूर्य की परिक्रमा करने में सर्वाधिक समय लगाएगा क्योंकि ये सबसे दूर स्थित है, तो ये 165 वर्ष लगभग लगाता है सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में। अब आगे देख लेते हैं ग्रह और उनकी परिक्रमा की अवधि को, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है दोस्तों, तो ये परिक्रमा भी सबसे पहले अर्थात सबसे कम दिन में करेगा सूर्य की, तो यह 87.96 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है, जबकि शुक्र की बात की जाए तो यह 224.68 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। पृथ्वी की बात की जाए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365.26 दिन में लगाता है। मंगल की बात की जाए दोस्तों तो मंगल 386.98 दिन में सूर्य की परिक्रमा लगाता है। बृहस्पति की बात की जाए दोस्तों तो बृहस्पति 11.862 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा लगाता है। तो आप देख रहे होंगे जैसे जैसे सूर्य से इन ग्रहों की दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे इनके परिक्रमा की अवधि भी बढ़ती जाएगी। शनि सूर्य की परिक्रमा करने में 29.456 वर्ष लगाता है। अरुण या यूरेनस जो है सूर्य की परिक्रमा करने में 84.07 वर्ष लगाता है, जबकि वरुण या नेपच्यून जो है सूर्य की परिक्रमा करने में 168.81 वर्ष लगाता है। दोस्तों मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह स्थित होता है जो कि सूर्य के चारों ओर, यह क्षुद्र ग्रह भी चक्कर लगाता है। क्षुद्र ग्रह कहते किसको हैं, ये कुछ टुकड़ों का एक समूह होता है, इसे ही क्षुद्र ग्रह की श्रेणी दी गई है जो कि इन दोनों ग्रहों के बीच में सूर्य का चक्कर लगाता है।
नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। सो दोस्तों, हीरक वलय या डायमंड रिंग का दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि